दोस्तों, इस पूरे लॉकडाउन में एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है और वो ये है कि सभी टीचर्स, लगभग 90% टीचर्स, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड करना चाहते हैं। ऐसे में मेरे पास में बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर, हम कौन सा स्मार्टफोन यूज करें लेक्चर्स को शूट करने के लिए, या हम किसी DSLR को यूज करें लेक्चर शूट करने के लिए, क्या हम वेबकैम से अपने लेक्चर शूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा लेक्चर वीडियो शूट करने के लिए, चाहे आप व्हाइट बोर्ड के लेक्चर शूट करें या लाइट बोर्ड के लेक्चर शूट करें। अगर आपको नहीं मालूम कि लाइट बोर्ड के लेक्चर्स कैसे होते हैं, तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप चेक कीजिए कि लाइट बोर्ड के लेक्चर्स कितने ज्यादा इनोवेटिव लगते हैं और आई कैचिंग लगते हैं। दोनों तरह के लेक्चर्स आप कौन से कैमरे से शूट करें तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एक अच्छा सा DSLR कैमरा परचेज कर लीजिए। ऑब्वियसली DSLR कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो अनमैच्ड है कंपैरिजन में किसी भी स्मार्टफोन के। लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है, तब भी आपके लेक्चर्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी तगड़ी हो सकती है। 10,000 से 20,000 के बीच में जो रेंज में काफ़ी तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स आते हैं। सैमसंग के कई स्मार्टफोन हैं जिनका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और उनकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उनको यूज़ करके आप अपने लेक्चर शूट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे चैनल पर लगभग 150 वीडियोज़ हैं, 150, उनमें से 90% वीडियोज़ मैंने अपने इस स्मार्टफोन को यूज़ करके शूट किए हैं। आप देख लीजिए, रियलमी का स्मार्टफोन है और इससे मैंने जितने भी वीडियो शूट किए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है और उसकी प्राइस भी 8,000 से 9,000 रुपए के बीच में है। अभी मैंने सारे लेक्चर्स भी अपने लगभग स्मार्टफोन के ऊपर ही एडिट किए हैं। एडिटिंग के लिए भी आप स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपका ये स्मार्टफोन है ना, ये बहुत पावरफुल मशीन है। आप इससे लेक्चर शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्फ्रेंसिंग करनी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और आपका जो लैपटॉप है उसका जो वेबकैम है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, तो भी आप स्मार्टफोन को यूज़ करके इसको अपने वेबकैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको जानना चाहते हैं कि किसी भी स्मार्टफोन को वेबकैम में कैसे कन्वर्ट करें जिसमें लेटेंसी भी ना हो, रियल टाइम में वीडियो चले, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊंगा। तो अभी बात हो गई रेंज के बारे में। 10,000 से 20,000 की रेंज में काफ़ी स्मार्टफोन है। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे मुझसे कि वो ऑडियो के लिए क्या करें ताकि अच्छी ऑडियो आए। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एक एक्सटर्नल माइक परचेज कर लें। बोया M1 बेस्ट है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसको यूज़ करते हैं, उसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं वेबकैम को लेकर। देखिए, वेबकैम से आप अपने लेक्चर शूट कर सकते हैं DSLR में उसको कनेक्ट करने के बाद, लेकिन वो वेबकैम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लॉगीटेक या लॉजीटेक, आप जो भी बोले, उस कंपनी के वेबकैम आते हैं 1080p रिजोल्यूशन 60fps वाले। अगर वो आपके पास में है तो नो प्रॉब्लम, नो डाउट, उससे आपके लेक्चर शूट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 200-300 रुपए वाला इस तरह का वेबकैम है, तो सॉरी, इससे आपके लेक्चर शूट तो हो जाएंगे लेकिन वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। लास्ट में एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में अच्छी एडिटिंग मशीन भी हो और अच्छा कैमरा भी हो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा सा प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेज कर लीजिए। ये जो वीडियो अभी मेरा शूट हो रहा है, ये वन प्लस एट डिवाइस से शूट हो रहा है। रिसेंटली अभी मैंने अपग्रेड किया है इसके ऊपर और इसकी क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बहुत तगड़ी है। इससे सारे आपके इस तरह की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट करना चाहते हैं वो भी हो जाएंगे, आपको लेक्चर वीडियो शूट करने हैं वो भी हो जाएंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। इसमें आप 4K वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओवरऑल आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन को एक बहुत प्रोडक्टिव मशीन बना सकते हैं, अच्छे लेक्चर शूट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स का भला कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।